आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक माँ ने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी के साथ रात भर सोती रही। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल चैनल द खटक और मैं आपका साथी राजेंद्र। दोस्तों जयपुर से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक माँ ने अपने ही मासूम 4 साल के बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी और रात पूरी उसकी डेड बॉडी के साथ सोती रही और दिन उगते ही वह अपने खेत में काम करने के लिए निकल गई। जब उसकी दादी उस बच्चे के पास पहुंची, उसको दूध पिलाने के लिए पहुंची, तो वह हक्की बक्की रह गई क्योंकि उस 4 साल के मासूम बच्चे की सांसें थमी हुई थी। दरअसल रैनवाल गांव का मामला है जहां मुकेश चौधरी की शादी आज से 6 साल करीब है, जो 2019 में हुई थी वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली सरिता कुमारी से, और 2020 में उसका एक लड़का हुआ था दीक्षांत, जो आज 4 साल का था। लेकिन मुकेश चौधरी का कहना है कि उसकी जो पत्नी है सरिता, उसका व्यवहार 1 साल से कुछ बदला लग रहा था। वह 3-4 साल तो मेरे साथ आराम से रही, हमारा 4 साल का एक मासूम जो बच्चा है वह भी था, लेकिन पिछले 1 साल में वह हमेशा घर में लड़ाई झगड़े करती थी, अपने मायके जाना जो ज़्यादा पसंद करती थी। बात है 9 तारीख की, जब उसके पिता नंदलाल उसको लेने के लिए आए थे, वह मायके चली गई थी, लेकिन वह जिद कर रही थी कि उसके 4 साल के मासूम बेटे दीक्षांत को भी साथ ले जाएगी, लेकिन उनके परिजनों ने ले जाने को नहीं दिया क्योंकि वह जो दीक्षांत है वह अपने दादा और दादी का लाडला था, तो उनके पास ही ज़्यादा रहना पसंद करता था। और जब सरिता 17 तारीख को घर वापस भी आ गई थी, और कल की बात करें तो दीक्षांत उसके साथ में सो रहा था, करीब 7 बजे थे, दीक्षांत है जो दादा दादी के पास खेल रहा था, उसी दौरान सरिता आई और सरिता ने कहा कि मैं मेरे बेटे को अपने पास से सुलाऊंगी। उसी दौरान वह अपने बेटे को ले गई, और मुकेश चौधरी का कहना है कि सरिता ने उसका 9 बजे ही गला घोट दिया था और रात पूरी उसकी डेड बॉडी के साथ सोती रही। दीक्षांत अक्सर 5 बजे सुबह ही उठ जाता था, लेकिन 7 बजे तक जब उसने हलचल नहीं की, जब नहीं उठा, तो उसकी दादी उसको दूध पिलाने के लिए जब पहुंची तो वह अचंभित रह गई क्योंकि दीक्षांत की सांसें थमी हुई थी। परिवार वाले अफरा तफरी में उसको हॉस्पिटल ले गए जहां पर डॉक्टरों ने दीक्षांत को मृत घोषित कर दिया। अब सवाल ये है कि एक माँ ने अपने ही 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या आखिर कैसे कर दी। गाँव पूरा अचंभित है, हैरान है, गाँव में सन्नाटा छाया हुआ है कि एक माँ ने अपने ही बेटे की हत्या कैसे कर दी। पुलिस ने उस माँ को गिरफ्तार कर लिया है, सरिता कुमारी को। जब पुलिस खेत में पहुंची सरिता कुमारी के पीछे, जब उनसे पूछा कि तुम्हारे बेटे की हत्या हो गई, तो उसने बोला कैसे कर दी, और जब उससे और पूछताछ की गई तो वह उसने जवाब में कहा कि हाँ, मैंने ही अपने बेटे की हत्या की गई है। और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है कि ऐसे क्या कारण रहे कि एक माँ को अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या करनी पड़ गई। अब देखिए किस तरीके से जयपुर के रैनवाल का एक मामला सामने आ रहा है जहाँ पर एक माँ ने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।